हेलो चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड लेट स्टार्ट टूडे इस चैप्टर प्रैक्टिकल जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्डोरीटर्स इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट कॉर्डोनेटर इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट्स विच हैजेन एलिमेंट्स दैट इज फोर साइड फोर एंगल्स एंड टू डाइग्न नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अकॉर्डोनेटर लास्ट चैप्टर में हमने कॉर्डोनेटर के बारे में पढ़ा था अब हम उसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे

सबसे पहले हम ना एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं राइट जिससे हमें आइडिया मिलता है सो so, आपको एक ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है आपको बनाना है इस तरह से राइट ए बी सी डी ओके अब आप देखिए आपके पास ए बी कितना है ए बी आपको दिया है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी सी इज फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसके बाद आपके पास है ए डी जो है आपका सिक्स सेंटीमीटर एंड सी डी आपका पास फोर सेंटीमीटर एंड वन मोर थिंग आपके पास डायग्नल है ए सी विच इज सेवन सेंटीमीटर तो योर इज अ रफ स्केच आप देखिए कैसे करेंगे स्टेप बाई स्टेप सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी फोर फाइव फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की इसके बाद आप क्या करेंगे बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे फाइव पॉइंट फाइव की फिर आप ए को सेंटर मानते हुए एक लगाएंगे सेवन सेंटीमीटर की ओके okay, इसके बाद आप क्या करेंगे इसे इस ज्वाइन कर देंगे बी से एंड ए से आपका पॉइंट आ गया सी नाउ अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट आपका क्या है आपने इनको ज्वाइन कर दिया विद ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर अब ए को सेंटर मानते हुए आपने एक आग लगानी है सिक्स सेंटीमीटर की फिर आप सी को सेंटर मानते हुए एक आग लगाएंगे फोर सेंटीमीटर की और इस तरह से आपका ये डी पॉइंट आ जाएगा और आप इसे फिर कर देंगे। so, इस तरह से आपने ये करना है। Next day, अभी आपके पास फोर साइड्स और एक डायंगल था अब आपके पास क्या है थ्री साइड्स एंड टू डाइंगल तो देखिए सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है आपको इस तरह से आपको मिल गया सबसे पहले आप फोर सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे राइट right? फिर एल को सेंटर मानते हुए आप एक आँख लगाएंगे फोर सेंटीमीटर की फिर आपके पास आपके पास आई को सेंटर मानते हुए एक आँख लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा राइट फिर आप इसे ज्वाइन करेंगे अब आपके पास क्या है देखिए एल को सेंटर मानते हुए आपने एक आँख लगानी है 2.5 सेंटीमीटर की और इसी तरह से आई से आपने लगानी है फोर सेंटीमीटर की और इस तरह से फिर आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो आपका कॉर्डिनेटर बन जाएगा नेक्स्ट है आपके पास टू कंस्ट्रक्ट अ कोर्डिनेटर विथ थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स आर गिवन अब आपके पास थ्री साइड्स और टू एंगल्स हैं जैसे कि आपके पास एक ऑर्डिनेटर दे रखा है पी क्यू आर एस आपके पास देखिए सबसे पहले आप क्यू आर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की फिर आप एंग क्यू पे बनाएंगे एंगल 120 जो कि आपको गिवन है और आप आर पे बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल इसके बाद आपने आर को सेंटर मानते हुए 4.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की एक आग लगानी है इसी तरह से आप क्यू से एक आग लगाएंगे इस लाइन पे और इसके बाद आप इसे ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से आपका पी क्यू आर एस कॉर्डिनेटर बन जाएगा नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ कॉर्डिनेटर फोर साइड्स इन वन एंगल आर गिवन आपके पास चार साइड्स गिवन है और एक एंगल भी गिवन है सबसे पहले देखिए रफ स्केच जब आपने बनाया तो एल एम आपकी साइड आई टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर यहाँ पे आप ये जो आपके पास आपको क्या गिवन है एंगल एल इज़ इक्व टू सेवेंटी डिग्री तो यहाँ पे आप सेवेंटी डिग्री के एंगल बनाएंगे सेवेंटी डिग्री के एंगल आप बनाएंगे प्रोटेक्टर से क्योंकि ये कंपस और पेंसिल से नहीं बनेगा इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे आप एम से एक आँख लगाएंगे थ्री सेंटीमीटर की आप एल से एक आँख लगाएंगे थ्री सेंटीमीटर की राइट इसके बाद आपको क्या गिवन है देखिए आपके पास ये वाली लेंथ भी है ओ एन टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर की है ना तो ओ को सेंटर मानते हुए आपने टू पॉइंट सेवन की से, इस तरह से आग लगानी और उसके बाद इन पॉइंट्स को जोड़ देना है, तो इस तरह से आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाएगा नेक्स्ट है जो कंस्ट्रक्ट क्वारटर हो वन टू साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन अब आपको दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी एंड तीन एंगल्स दे रखी कैसे करना है देखिए आपके पास ए बी सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल एंड बी पे बनेगा आपका 110 डिग्री का एंगल ओके okay. अब बी को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क लगानी है 7 सेंटीमीटर रेडियस की राइट right? इसके बाद आप इसे क्या करेंगे जॉइंट कर देंगे फिर आपका जो सी है सी एक्चुअली सी पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है 60 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाना है एंड देन आप उसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा चलिए एक्सरसाइज देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन व्हिच देखिए आपको ना इन सब में ही कंस्ट्रक्शन करनी है और जो फाइव कॉम्बिनेशन आपको दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आप जब भी कॉर्ड्रिएटर कंस्ट्रक्ट करेंगे आप हमेशा एक रफ स्केच बना लेंगे राइट ए बी सी डी ओके अब आपको जो जो गिवन है लाइन सेगमेंट उसका मेजर आप लिखेंगे ए बी आपके पास फोर सेंटीमीटर बी सी आपके पास फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सी डी आपके पास फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर ए डी आपके पास 5.4 पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड ए सी आपके पास 6.2 पॉइंट टू सब सेंटीमीटर सबसे पहले आपने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है फोर सेंटीमीटर की फिर आप क्या करेंगे ए को सेंटर मानते हुए आँख लगाएंगे सिक्स पॉइंट टू की राइट right? फिर बी को सेंटर मानते हुए आप आँख लगाएंगे फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की ओके okay? फिर आप इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे राइट दिस इज सी ओके अब आपको करना है ए को सेंटर मानते हुए 5.4 सेंटीमीटर की आपने आँख लगानी है देन सी से आपको लगाना है 4.9 की और ये इस तरह से आपका कॉर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ओके okay, चिल्ड्रन बाकी आपको सब ये इसी तरह से करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड पेंसिल रूलर और जहाँ पर आपको एंगल्स दिए होंगे वहां पर आपको प्रोटेक्टर का हेल्प लेना है ओके नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेशल कोर्डिनेटर्स पैरलेलोग्राम रेक्टेंगल स्क्स ऑफ कॉर्डोलेटर्स फाइव इवन एस बाई अपलाइंग द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अब आपको स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्डोरेटर्स जैसे कि पैरेलेग्राम है रेक्टेंगल है स्क्वेयर रोम्बस इन्हें कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले देखिए टू कंस्ट्रक्ट अ पैरलोग्राम देखिए आपके पास है एक पैरेलोग्राम इसका रफ स्केच देखिए जो इस तरह से बना हुआ है आपका आपके पास पी क्यू साइज पी क्यू एंड पी एस आर गिविन पी क्यू है आपके पास सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड पी एस है आपके पास फाइव सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन द एम इज ऑफ सिक्सटी डिग्री इनके बीच का जो एंगल है सिक्सटी डिग्री है राइट right? तो ये सिक्स पॉइंट टू है तो ऑब्वियसली ये भी सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर होगा ओके एंड ये भी आपका कितना हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर ओके नाउ यू कैन ड्रॉ इट इजीली आपने पहले पी क्यू लेना है सिक्स पॉइंट टू देन आपने पी पे एंगल बनाना है सिक्सटी डिग्री का ओके okay. फिर क्यूज को सेंटर मानते हुए फाइव सेंटीमीटर की आँख लगानी है राइट right. फिर यहाँ से आपको पी को सेंटर मानते हुए फाइव सेंटीमीटर की आँख लगानी है इन दोनों के बीच का भी आपको डिस्टेंस पता है सिक्स पॉइंट टू तो आप एस को सेंटर मानते हुए एक आँख लगाएंगे सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर की और उसके बाद आप इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास पी क्यू आर एस आ जाएगा वो जस्ट एल टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल अब देखिए आपके पास रेक्टेंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ए बी सी डी आपके पास रेक्टेंगल है जिसमें साइड्स गिवन है ए बी फाइव सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी ऑब्वियसली फाइव सेंटीमीटर होगी सी डी और आपको क्या गिवन है सी 4 सेंटीमीटर तो इसकी ऑपोजिट साइड भी आपकी क्या होगी 4 सेंटीमीटर देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले AB आप लेंगे 5 सेंटीमीटर और आपको पता है इसके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के ईच तो आप A पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे एंड B पे भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे देन A को सेंटर मानते हुए आप आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर की और इसी तरह से आपने B को भी सेंटर मानते हुए आर्क लेनी है 4 सेंटीमीटर की और उसके बाद आप इसे जॉइन कर देंगे तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर स्क्वायर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है अब स्क्वायर में आपको एक साइड दिए ऑब्वियसली क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं राइट right? इसके जो दो, दोनों एंगल्स आप जो तो बेस में बनाएंगे वो भी आपके क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे तो आपको बस सेम जैसे रेक्टेंगल का किया आपको वैसे ही इसे कंस्ट्रक्ट करना है नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ रोमबस रोमबस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखिए इसमें आपको साइड गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल इज एंड इसके चार एंगल में से आपको एक एंगल गिवन है 60 तो सबसे पहले आप एक रफ स्केच इसका प्रिपेयर कर लेंगे इस तरह से वन ऑफ द साइड इज गिवन चारों साइड इक्वल होती है तो चारों साइड थ्री सेंटीमीटर की हो जाएगी राइट right? सबसे पहले आप ए भी ड्रॉ करेंगे थ्री सेंटीमीटर की एंड एंगल ए बनाएंगे सिक्सटी डिग्री देन आप एंगल ए, आपको ए को सेंटर मानते हुए हुए पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर की आग लगाएंगे को सेंटर मानते हुए 3.5 सेंटीमीटर की लगाएंगे। रोमबस का फिगर आ जाएगा Next आपके पास टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रिपेजियम ट्रिपेजियम को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है देखिए आपके पास एक ट्रिपेजियम दिया है इसका रफ स्केच ये ड्रॉ करके दिया गया राइट right? सबसे पहले आप ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सिक्स सेंटीमीटर की एंड आप उसमें क्या करेंगे एंगल ए एक्चुअली एंगल आपको गिवन है डिग्री डिग्री का का तो आप पे एंगल बनाएंगे राइट right? अब आपने क्या करना है देखिए ट्रिपेजियम का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है पैरल होती है राइट right? तो देखिए ए बी की जो ऑपोजिट साइड होगी यानी कि सी डी वो आपकी पैरल होगी सबसे पहले डी एट डी आपके पास सबसे पहले आपने ए से डी ए को सेंटर मानते हुए आपने 3.5 सेंटीमीटर के इस तरह से आग लगाना है ना डी पे आप क्या करेंगे एंगल इस तरह से इन्होंने दिया एक्स डी वाई ये आपका 60 डिग्री का होगा और इस तरह से आप पैरल करेंगे डी वाई पैरल ए बी फिर आप डी को सेंटर मानते हुए 3.2 सेंटीमीटर की आंख लगाएंगे यहां पर ओके और उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर देंगे तो आपका ट्रिपैसेम बन जाएगा चलिए एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट अ पैरलोग्राम पी क्यू आर एस इन विच पी क्यूज इक्व टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आपको देखिए पैलेलोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको कुछ साइड्स का मेजर दिया हुआ है राइट तो आपको शार्प पॉइंटेड पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन करनी है राइट ओवरव्यू फाइव एलिमेंट्स आउट ऑफ टोटल टेन एलिमेंट्स मस्ट बी गिवन टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन Three sides and two diagonals are given. Three sides and two included angles are given. Four sides and one angle are given. Two adjacent sides and three angles are given. देखिए आप कॉर्डोरेटर को ड्रा कर सकते हैं अगर आपको फाइव कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मिला हो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉर्डोरेटर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद लेस देन फाइव गिवन एलिमेंट्स बिकॉज द रिमेनिंग एलिमेंट्स कैन बी ऑप्टेन बाय अपलाइंग द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और अगर स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्डोरेटर्स बनाने तब तुम्हारे पास फाइव गिवन एलिमेंट से भी कम होंगे तो भी हम बना लेंगे राइट right? तो चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे